हालेलुया प्रेज द लॉर्ड जय प्रभु यीशु मसीह की आज के शाम आप सबों का इस बाइबल अध्ययन में स्वागत है वी वेलकम ऑल ऑफ यू टू द बाइबल स्टडी ऑफ टुनाइट अक्टूबर द सिक्स 2021 थाउजेंड एंड ट्वेंटी वन और जॉय इट इज़ फॉर अस टू कम टूगेदर टू स्टडी फ्रॉम गाड्स वर्ड प्रभु के वचन से अध्ययन करने के लिए आज के शाम हम एक बार फिर जमा हुए हैं पवित्र आत्मा से हमारी प्रार्थना ये है कि हमारे मन और कान खुले हों कि हम उन बातों को सुनकर ग्रहण करके समझने के बाद उसे हम अपने जीवन में अभ्यास में लाएं लेट आर टू द होली स्पिरिट बी टू नाइट देर आर आर ईयर्स एंड आर माइंड द डोर ऑफ आर अंडरस्टैंडिंग वुड बी ओपन टू नॉट ओनली हियर नॉट ओनली रिसीव बट टू अंडरस्टैंड एंड देन टू इम्प्लीमेंट इन आर लाइव आइए एक छोटी सी प्रार्थना करें इससे पहले कि हम इस अध्ययन में प्रवेश करें हम अपनी आँखों को बंद करेंगे और प्रार्थना करेंगे प्यारे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा आज के शाम हम आपके चरणों पे आते हैं इस बात को पहचानते हुए कि आप ही हमारे सृष्टिकर्ता हैं आप हमारे जीवन के स्रोत हैं आप हमारे बल हैं आप हमारे लिए सब कुछ है आज के शाम हम आपके चरणों पे आए हैं आपके वचन से सीखने के लिए और अध्ययन करने के लिए पवित्र आत्मा मेरी प्रार्थना यह है कि हम जो यहाँ से बोल रहे हैं आपकी अभिषेक की हमें आवश्यकता है ताकि जो शब्दों को हम प्रयोग करें वो आपकी ओर से हो साथ में सुनने वाले को भी अभिषेक दे ताकि उनके कान में जो शब्द पहुँचते हैं प्रभु जो संदेश पहुंचता है उसे वो केवल सुने ना परंतु समझने पाए समझने के बाद प्यारे प्रभु अपने जीवन में उसे हम लोग सब मिलकर अभ्यास में ला सके ताकि आपकी महिमा इस पृथ्वी पर हम प्रकट कर सकें धन्यवाद देते हैं आपकी उपस्थिति के लिए वी थैंक यू एंड वी आर ग्रेटफुल फॉर योर प्रेजेंस इन आ मिस्ट नाइट इन जीजस नेम वी प्रे आमेन आमेन हाल आइए हम सीधे अध्ययन में चलेंगे Praise the Lord and good evening to everyone who is attending this Bible study. जय प्रभु यीशु मसीह की आज के शाम is Bible अध्ययन में आपका स्वागत। We are in chapter 7 of 1st Corinthians. हम पहला कुरुंतियों की पत्री के सातवें अध्याय तक पहुंच चुके हैं। Apostle Paul is uh, talking about the subject of a marriage. और इस अध्याय में पौलुस प्रेरित शादी या विवाह संबंधित बातों को देख रहे हैं एंड दी खोरिजियन चर्च वफ्लिक्टेड बाई अ प्रॉब्लम ऑफ अ फॉल्स टीचिंग बाई नोस्टिसम और इस समय में जब पॉलूस इस पत्री को लिख रहा है उस समय कलीसिया में एक समस्या थी विवाह संबंधित और उसे वो संबोधित कर रहे हैं एंड सो पॉल इज डीलिंग और जब इस कलीसिया के विश्वासियों ने पॉलुस से कुछ सवालों को पूछा इस प्रश्न इस समस्या संबंधित तो पॉलुस उसे संबोधित करते हुए उन्हें जवाब दे रहे हैं पॉल एंडलम देर आर स्पेशल फॉर नॉट मैरी और पॉलुस प्रेरित ने उन्हें ये समझाया कि कुछ ऐसे विशेष परिस्थिति हैं जिनमें केवल शादी ना करने का कर निर्णय लिया जा सकता है और इन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए कुछ विशेष परिस्थितियों को सलाह के रूप में बताया गया है कि भला होगा कि शादी ना करे एंडल Uh, some present crisis in verse 26 26वें uh, पद में पॉलुस प्रेरित वहाँ की एक समस्या को संबोधित करते हुए अपनी बात को रख रहे हैं इट वॉज रेफरेंस टू इन दैट स्टैंस ऑफ हिस्ट्री और uh, इतिहास के उस समय में सारे विश्वासियों द्वारा इस समस्या का सामना उन्हें करना पड़ा एंड वॉट एक्सैक्टली क्राइसिस और डिस्ट्रेस नॉट नो लेकिन ये समस्या क्या थी इसका विवरण यहाँ पर नहीं दिया गया है एंड बट द एप्लीकेशन इज वेरी क्लियर लेकिन जिन इसे किस तरह से अपने जीवन में अभ्यास में ला सकते हैं वो बातें स्पष्ट की गई हैं आर टाइम्स वेन मैरिज इज अनवाइज बिकॉज ऑफ सिचुएशन अराइसिंग फ्रॉम मे बी प्रोसिक्यूशन कुछ ऐसे समय हैं जब विवाह ना करने का निर्णय सही होता है उचित होता है चाहे वो सताव के कारण हो वर्ल्ड वॉर्स या विश्व युद्ध इकोनॉमिक समस्या or deaths, या फिर ऐसे आंदोलन जो उठ खड़े हुए थे जिसके कारण कई मृत्यु हुई डिस या फिर बीमारियां एंड मेड इन बिकॉज ऑफ एक्सीडेंट और कुछ ऐसे लोग थे जो किसी दुर्घटना के कारण Uh, वे विकलांग हो गए दिस कुड बी सम स्पेशल व्हेन मैरिज इज नॉट एडवाइजेबल तो ये ऐसी कुछ परिस्थितियां हैं शायद जिनके विषय में पॉलूस कहते हैं कि विवाह ना करना उचित होगा एंड देन द सेकंड रीजन इज देयर इज अ कंडीशन नेसेसिटेटिंग मैरी और फिर इसके बाद दूसरी ओर पॉलूस कहते हैं लेकिन विवाह करने के लिए कुछ ऐसी शर्तें हैं जो मजबूर करते हैं लोगों को विवाह करने के लिए एंड देर टीचिंग बाई नोस्टिस और फिर उन दिनों में एक ऐसी शिक्षा पाई जाती थी दे टॉट बॉडी इज ईवल और इस शिक्षा में ये सिखाया जाता था कि शरीर बहुत ही दुष्ट है एंड सो बॉडी कैन डू एनीथिंग इट वॉन्ट्स टू और ये शरीर अपने इच्छा से कुछ भी कर सकता है सिंस इट इज टोटली अनरिलेटेड टू द स्पिरिचुअल लाइफ और विशेषकर क्योंकि uh, शरीर का आत्मा से हमारे अपने आत्मा से कुछ लेना देना नहीं है एंड सो देर फोर दे You the, uh, the blessing of ऑफ uh, मैरिज और इन्हीं कारणों से जो शादी या विवाह में पाए जाने वाली जो आशीषें हैं उन्हें लोग खो बैठते थे सो दिस टीचिंग इज स्पिरिट इज गुड तो इस शिक्षा में ये भी स्पष्ट किया जाता था so, हमारी अपनी आत्मा तो अच्छी है बट एनीथिंग मटीरियल इज ईवल लेकिन uh, जो शारीरिक वस्तुएं हैं वो बुरी हैं सो बॉडी इज सच थिंग तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमारा शरीर बुरा है एंड सो बॉडी इज ईवल द बॉडी मस्ट बी सारी सबड्यूड एंड डिनाइड और क्योंकि हमारा शरीर बुरा है इसीलिए आवश्यकता इस बात की है कि उस पर काबू किया जाए उस पर नियंत्रण रखा जाए एंड दिस सेकेंड एरर इज सीन इन दिस चैप्टर सेवन और ये जो दूसरी वाली बात है जो गलत है जो सही नहीं है ये चीज इस अध्याय में हम पाते Where हैं मैन uh, right जहां पर ऐसे जोड़े थे पति पत्नी के जोड़े थे जो आत्मिक बातों को एक बहाना के रूप में रखते हुए एक दूसरे से जो शारीरिक संबंध होनी चाहिए वो उसे इंकार या मना करते थे so तो हमने इस बात को देखा ऐसी कुछ परिस्थितियां हैं जहां पर विवाह करना उचित नहीं है और हमने उन बातों को बीते सप्ताह में देखा टूडे वी विल और आज के दिन हम बाकी तीन विषयों को देखेंगे आइए हम तीसरे पद की ओर चलेन सेवन पहला उसका सातवां अध्याय और उसका तीसरा पद यहाँ पर इस प्रकार लिखा है पति अपनी पत्नी का हक पूरा करे और वैसे ही पत्नी भी अपने पति का सो दिस इज अ वेरी क्लियर इंस्ट्रक्शन फ्रॉम 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 यहाँ पर हम पाते हैं पॉलुस प्रेरे द्वारा एक बहुत ही सरल बहुत ही स्पष्ट एक निर्देश रेंडेड टू हिस्स वाइफ दी अफेक्शन ड्यूहर एंड लाइक वाइस ऑल्सो द वाइफ टू हर हजब पति और पत्नी एक दूसरे के पति अपने जो हक हैं उसे पूरा करें इन मैरिड लाइफ कुछ ऐसी बुनियादी सिद्धांत हैं जिन्हें हमें पालना बहुत जरूरी है एंड बिकॉज पीपल आर इग्नोलेंड ऑफ दी और क्योंकि कुछ लोग इन बातों के प्रति अज्ञात हैं देव प्रॉब्लम इन देर रिलेशनशिप उनके आपसी संबंध या रिश्ते में समस्याएं आती हैं इज वेरी इंपॉर्टेंट स्पेशली दीज टाइम्स वेन एस वी एट फास्ट अप्रोचिंग देर इज गोइंग टू बी ए ब्रेक डाउन इन मैरिज मैरिज रिलेशनशिप एंड दी आईडिया ऑफ मैरिज इज अंडर अटैक इसीलिए विशेषकर आजकल के दिन में इन बातों को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है क्योंकि आजकल के दिन में विवाह संबंधित जो रिश्ता है वो रिश्ता ही खतरे में है यहाँ तक कि इस रिश्ता को बनाए या ना बनाए वो सवाल तक भी उठा है और ये सही नहीं है मैरिज मैनी मैरिज एंड इन डिवोर्स और स्ट्रगल बिटवीन हजबेंड एंड वाइफ सिंपली बिकॉज दे हैव नॉट अंडरस्टूड और नो दीस लॉस दैट आवर रिलेशनशिप और आज के दिन यदि तलाक में आ, एक बढ़ोतरी हुई है तलाक की संख्या में या फिर पति पत्नी के आपसी रिश्ते में यदि बहुत संघर्ष ऐसे केसेस में यदि संख्या में बढ़ोतरी है तो वो इसी कारण है कि लोगों में ये समझ नहीं है कि जो बुनियादी सिद्धांत है विवाह के वो क्या हैं मैरिज वाउस इंक्लूड्स ओब्लीगेशन्स जब विवाह में एक दूसरे को शपथ देते हैं तो उसमें कुछ ऐसे शर्तें हैं जिन्हें पूरी करने जरूरत है बोथ हस्बैंड्स एंड वाइफ्स हैव ड्यूटीज टू ईच अदर पति और पत्नी दोनों को एक दूसरे के प्रति कुछ जिम्मेदारियों को पूरी करनी है हाउ मेनी ऑफ अस नो दिस ट्रूथ इस बात को हम में से कितने लोग जानते हैं द हस्बैंड्स थिंक इन इंडिया स्पेशली हस्बैंड थिंक्स वाइफ्स ड्यूटी इज टू टू वाश क्लोथ क्लीन अप एवरी कुक फूड एंड बी लाइक यदि हम अपने भारतीय संदर्भ में देखें तो आमतौर पर देखा जाता है कि जितने पति हैं वे सोचते हैं कि पत्नी का जो रोल है विवाह में या परिवार में वो केवल कपड़े धोना खाना बनाना बच्चे पैदा करना यहाँ तक सीमित है एज अ रिजल्ट हजबेंड इज नॉट विलिंग टू हेल्प वाइफ इन एनी आदर वे और इसके फलस्वरूप क्या होता है कि पति अपने पत्नी की मदद किन्हीं और चीजों में या बातों के लिए तैयार नहीं रहता है The rights of one partner must be respected by the other। एक जोड़े में इस बात की आवश्यकता है कि एक व्यक्ति के जो अधिकार हैं उसे उसका साथी उसका मान रखे और उसका आदर करे बेस स ऑफ मैरिज अमंग और यदि इस बात को हम ध्यान में रखें तो फिर हम पाते हैं कि उस जमाने में यहूदियों के मध्य में जब विवाह होती थी तो एक तरफा अधिकार या एक तरफा जिम्मेदारी को ही ध्यान में रखा जाता था बोर्न एज ए वूमन

पुरुष के रूप में पैदा हुए और इस बात के लिए वो ऊंचे आवाज में बोलते भी थे ऑल दीज फीलिंग्स एंड स्टार्ट कमिंग टू मैन अवे फ्रॉम गॉड और इस प्रकार का जो सोच है और जो विचार है ये विशेषकर उन पुरुषों में uh, उत्पन्न हुई और वहाँ से बढ़ावा मिला जो परमेश्वर से दूर होते गए विमेन वियर और महिलाओं को नीच दृष्टि से देखा भी जाता था उनके साथ ऐसा बर्ताव भी किया जाता था और यहाँ पर जो एक शब्द का प्रयोग किया गया उस पर ध्यान दें द वर्ड्स मैरिटल ड्यूटी मीन द डेट वैवाहिक जिम्मेदारी जो शब्द है इसका अर्थ आ, होता है डेट एक, एक, एक कर्ज जिसे चुकाना है In other words, render what is due. इसका अर्थ की जो हमें कर्ज के रूप में चुकाना है उसे चुकाना जरूरी है दिस वर्ड मीन्स बोध हसबेंड एंड वाइफ ऑफ सम तो इसका अर्थ दूसरे शब्दों में यह है कि एक पति और पत्नी वे एक दूसरे के कर्जदार हैं दैट मीन्स आई कंसिडर दैट आई ओ समथिंग टू माई वाइफ एंड द वाइफ ऑल्सो द सेम थिंकिंग आई ओ समथिंग टू माई हस्बैंड जहाँ पर एक पति ये विचार रखता है कि मेरा पत्नी के ऊपर कर्ज है वो पूरा करना है और पत्नी भी उसी प्रकार से ये विचार रखती हैं कि मेरे पति के ऊपर कर्ज है मुझे वो चुकाना है और इसीलिए बोथ हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू पे टू दी वाट इज ड्यू और दोनों पर यह जिम्मेदारी पड़ती है कि जो उन्हें पूरा करना चाहिए वो स्वयं उन बातों को पूरा करें ना वेन बोथ द हजबेंड एंड वाइफ अंडरस्टैंड दिस एंड टेक दिस सीरियसली अब जब एक विवाह में दोनों जन पति और पत्नी इस बात को बहुत स्पष्ट रूप से समझ जाते हैं यू नोटिस द मैरिज इन क्रिस्टियन मैरिज इज द मैरिज वाउस मैरिज वाउस बोथ मैन हैज गि वाइफ एंड द वाइफ हैज द मैन जहाँ तक मसीही विवाह की बात होती है आपने देखा होगा ध्यान दिया होगा कि मसीह विवाह में पुरुष स्त्री को अपने शपथ देता है साथ में स्त्री भी पुरुष को अपनी शपथ देती and है बहुत बहुत साउंड ऑलमोस्ट द सेम और दोनों जन के जो शपथ हैं लगभग एक से हैं एंड सो वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट इन हस्बैंड एंड वाइफ रिलेशनशिप इन द मैरिज रिलेशनशिप ऑफ़ हस्बैंड एंड वाइफ There is no one to the other. और इसके फलस्वरूप हमको और आपको ये समझना बहुत जरूरी है कि एक विवाह के रिश्ते में दोनों जनों में से एक जन अपने आप को ऊंचे दर पर नहीं समझ सकते और इस सिद्धांत को हमें समझना बहुत जरूरी That's है इसी प्रकार से परमेश्वर ने पुरुष को और स्त्री को रचा एंड ऑफ कोर्स वुमन इज क्रिएटेड फॉर मैन और ये सच है कि स्त्री को पुरुष के लिए रचा गया और लेकिन ये एक साथी का रिश्ता है और साथी बराबर दर्जे के होते हैं एंड द अदर थिंग टू नोटिस हियर इज नोटिस द वर्ड फुलफिल्ड और इज यू सी और यहाँ पर जो दूसरा शब्द जिस पर हमें ध्यान देना चाहिए वो ये है पूरा करना इट इज कंटिन्यूस एक्शन ये ऐसा शब्द है जो निरंतर होता रहता है द राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ ईच अदर आर टू बी कंटिन्यूली टू बी फुलफिल एक दूसरे के प्रति जो जिम्मेदारियां हैं और जो अधिकार है वो बराबर होते रहना है केवल एक बार के लिए नहीं है एंड वेन वी अंडरस्टैंड दिस रूल और जब हम इस नियम को समझ लें वन कैन अवॉइड अ लॉट ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग्स एंड आर्ग्यूमेंट्स एंड प्रॉब्लम्स इन मैरिड रिलेशनशिप इससे फिर क्या होगा कि वैवाहिक रिश्ते में जो गड़बड़ियाँ होती हैं तो वो इसीलिए होती हैं कि किसी बात पे भ्रम या संदेह हो या फिर बहस होती है तो इन सब बातों को अवॉइड किया जा सकता है so, so, 3 7, तो ऑफ चैप्टर ये सातवें अध्याय के जो तीसरा पद है जनरली दिस वर्स इज इंटरप्रिटेड टू रेफर टू सेक्चुअल राइट्स एंड ड्यूटीज इन मैरिज आमतौर पर इसे इस तरह से समझा जाता है कि वैवाहिक रिश्ते में जो शारीरिक संबंध है यौन संबंध उस बात को लेकर पॉलूस यहाँ कह रहा है आम तौर समझा जाता है however, लेकिन well. इसके अलावा और भी जिम्मेदारियां हैं और भी अधिकार हैं जो इसमें जुड़ी वर्सेस so तो इसीलिए आइए हम कुछ और पदों को देखें पर्टिकुलरली टॉक्स टउट हसबेंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ड्यूटी विशेषकर ऐसे पद जो हमें दिखाती हैं कि पति की कौन सी ऐसी जिम्मेदारियां हैं वर्सेस वाइस वर्सा वाइफ और कुछ ऐसे पद होंगे जो पत्नी के लिए हैं सो मार्क चैप्टर टेन सेवन सो आइए हम खोले मरकुस रचित सुसमाचार उसका सातवाध्याय uh, uh, सॉरी चैप्टर टेन वर्स सेवन क्षमा करें मरकु सजे सुसमाचार उसका दसवां अध्याय और दसवें अध्याय का सातवां पद वे जीसस सेड फॉर दिस रीजन अ मैन शैल लीव हिज फादर एंड मदर एंड बी जॉइन टू हिज वाइफ और वहां पर यीशु मसीह इन शब्दों को कह रहे हैं वो कहता है इस कारण मनुष्य अपने माता पिता से अलग होकर अपनी पत्नी के साथ रहेगा कंसिडर अब रेस्पॉन्सिबिलिटीज एंड ड्यूटी अब विचार करिए कि पति को कौन सी ऐसी बातों को ध्यान में रखना है अपने पत्नी की ओर इन रेस्पेक्टिंग उसको आदर देने की बात हो एंड प्रोटेक्टिंग रक्षा करने की बात हो दी शुड नॉट अलाउ हिज ओन पेरेंट्स और एनी क्लोज रिलेटिव टू कम बिटवीन पति पति को चाहिए कि इन बातों को लेकर किसी तीसरे व्यक्ति को दखल अंदाज देने की अनुमति ना दे And then in 5, verse 25, अगला भाग हम पाते हैं इफ्सियों की पतरी उसका पांचवा अध्याय और पद इंस्ट्रक्शन टू हस्बैंड हस्बैंड लव योर वाइफ और यहां पर पॉलुस बहुत ही स्पष्ट रीति से कहते हैं हे पतियों अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो द पर्टिकुलरली गिवन टू हस्बैंड ये विशेषकर पति को दिया गया है निर्देश एंड देन फर्स्ट पीटर चैप्टर 3 वर्स 7 और फिर उसके बाद हम देखेंगे पत्रस की पहली पत्री उसका तो उसका तीसरा अध्याय तीसरा अध्याय 7 7 वर्स और सातवां पद वहां पर इस प्रकार लिखा है वैसे ही हे पतियों तुम भी बुद्धिमानी से पत्नियों के साथ जीवन निर्वाह करो hmm. और स्त्री को निर्बल पात्र जानकर hmm. उसका आदर करो ये समझकर कि हम दोनों जीवन के वरदान के वारिस हैं यस इंस्ट्रक्शन फॉर द वाइफ ड्यूटी चैप्टर 24 अब हम देखेंगे पत्नी के लिए नहीं no, नहीं no, no. अच्छा माफ करिएगा पति के ही हम पुराने नियम में देखेंगे व्यवस्था विवरण चैप्टर 24, उसका 24वां अध्याय, वर्स 5, और उसका पांचवां पद, When okay. a man has taken a new wife, he shall not go out to war or be charged with any business. He shall be free at home one year, and bring happiness to his wife. Whom he has taken. यहोवा परमेश्वर ने बहुत स्पष्ट रीति से ये बताया पांचवे पद में जिस पुरुष का हाल ही में विवाह हुआ हो वह सेना के साथ ना जाए और ना किसी काम का भार उस पर डाला जाए वह एक वर्ष भर अपने घर में स्वतंत्रता से रहकर अपनी ब्याही हुई स्त्री को प्रसन्न करता रहे Now, how do we do that? ये कैसे किया जा सकता है एक सर्व बुद्धिमान परमेश्वर एंड मैरिज रिलेशनशिप इन सच ए मैनर ने विवाह का जो रिश्ता है उसे इतनी सुंदर तरीके से उसे बनाया फर्स्ट ईयर इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ईयर ऑफ दाइफ टूगेदर की परमेश्वर इस बात को जानता था कि वैवाहिक वैवाहिक जीवन का जो प्रथम वर्ष है वो सबसे महत्वपूर्ण वर्ष है वाई

तो ये अनिवार्य था कि एक वर्ष के लिए उसे छुट्टी दी जाए शुड नॉट बी एंगेज इन एनी काइंड ऑफ ड्यूटी इंक्लूडिंग बिजनेस और किसी बाहर का किसी बात का या किसी व्यवसाय का भार या जिम्मेदारी उस पर नहीं होनी चाहिए थी ड्यूरिंग दिस वन ईयर और इस एक समय में the एक found, साल के समय में फाउंडेशन इज लाइट विवाह की बुनियाद को बिछाया जाना था टू हैव अ वेरी स्ट्रांग लास्टिंग फर्म फाउंडेशन और ताकि एक स्थाई और स्थिर बुनियाद बिछाया जाए ऑफ देम हैव टू वर्क टुगेदर दोनों को चाहिए था कि एक साथ कार्य करें बोथ ऑफ देम मस्ट बी टुगेदर तो दोनों को एक साथ होना जरूरी था एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट्स हाउ गॉड हैज हाउ मैरिज लाइफ मस्ट बी जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसीलिए परमेश्वर ने ऐसा ही योजना बनाया उपाय किया दिस प्रोवर्ब्स चैप्टर फाइव और नीति वचन के पुस्तक उसके पांचवें अध्याय में सुलेमान ने इस प्रकार से कहा चैप्टर 5 वर्स 18 5वे अध्याय के अठारहवें पद में let your fountain be blessed and rejoice with the wife of your youth तेरा सोता धन्य रहे और अपनी जवानी की पत्नी के साथ आनंदित रहे इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट देयरफॉर व्हाट अस टू अंडरस्टैंड द रीज़न फॉर इट इसीलिए हमारे लिए बहुत ही जरूरी है कि इसका कारण हम समझें टुडे इन हस्बैंड कम्स बैक सडनली फ्रॉम लीव फ्रॉम गल्फ कंट्री और अमेरिका कैनेडा यार। आजकल के दिन में यदि एक पति वो विदेश से लौट के आता है अपने घर और समटाइम्स अ गर्ल कम या फिर uh, पति नहीं पत्नी सो so लौट के आती है दूर जगह से सडनली अरेंज अ मैरिज सॉरी uh, क्षमा uh, करें पति या पत्नी नहीं एक uh, जवान पुरुष या स्त्री विदेश से अपने घर को लौट के आते हैं तो फिर उनके परिवार वाले एकदम से uh, उनके लिए साथी ढूंढने के कार्य में जुट जाते हैं oh, मंथ ऑफ़ फिर कहते हैं अरे वो केवल एक महीने की छुट्टी पर है यहां पर। so यहाँ पर विद इन दैट वन मंथ टू फाइंड द गर्ल और उस, और उसी एक महीने में उनको उस लड़का या लड़की के लिए एक साथी ढूंढना है द फॉर्मेलिटी ऑफ द बॉय गोइंग टू द गर्ल्स हाउस विद हिज फैमिली पीपल एंड देन आई लेट द फैमिली गर्ल्स फैमिली कम हियर एंड देन द एंगेजमेंट एंड देन हैव द वेडिंग बाय द टाइम हाफ ऑफ़ द टाइम इज गाउन और फिर जब तय कर दिया गया कि एक व्यक्ति एक मिल गई है या मिल गया है तो फिर वो दोनों परिवार एक दूसरे के घर जाते हैं एक दूसरे से मिलते हैं पूछताछ करते हैं और फिर जब बात पक्की हो जाती है फिर मंगनी की बात होती है और फिर उसके बाद जब तक मंगनी हो जाती है तब तक आधा महीना निकल चुका है आई नो इन केरला वी है इन द मॉर्निंग इज द इंगेजमेंट एंड आफ्ट और मैं इस बात को जानता हूँ निश्चित तौर पर कि केरल में सुबह के टाइम या तो या फिर बीते रात को मंगनी होगी और अगले सुबह या उसी दिन शाम को विवाह होगी एंड आफ्टर मैरिज द हजबैंड और वाइफ लीव ज्वाइन हिस्सा हर ड्यूटी इन फॉरिन और फिर विवाह के तुरंत बाद एक दो दिन में ही जो विदेश से आए हैं वो तुरंत ही वापस लौट जाते हैं अपने नौकरी को ज्वाइन करने no cases where the और मैं ऐसे कहानियों को जानता हूँ जहां पर इसी प्रकार से हुआ और आगे चलकर वैवाहिक जीवन में समस्या very, बहुत गंभीर रीति से वेरी फुल ये बहुत ही मूर्खता की बात होती है एंड फॉर uh, हमको बड़ी बुद्धिमान से बुद्धिमानी से हमें निर्णय को लेना चाहिए परमेश्वर ने इस प्रकार के उपाय क्यों अपने वचन में दिए एंड वर्स 19 सेज और इसी uh, नीति वचन के ही पांच के 19 में लिखा है एज अ लविंग डियर एंड अ ग्रेसफुल डॉ लेट हर ब्रेस्ट सैटिस्फाई यू एट ऑल टाइम्स एंड ऑलवेज बी एनट्रैप्टर्ड विद हर लव प्रिय हिरिणी या सुंदर सांभरनी के समान उसके स्तन सर्वदा तुझे संतुष्ट रखे और उसी का प्रेम नित्य तुझे आकर्षित करता रहे इसी व्हाट ब्रिंग्स अ हस्बैंड एंड वाइफ क्लोजर एंड क्लोजर एंड बिकम इंटिमेट एक पति और पत्नी को कौन सी वो बात है जो और निकट रिश्ते में लाती है और बहुत ही निकट संबंध बन जाता है क्लाइमैक्स ऑफ मैरिज इज द ऑफ मैरिज दैट हैपेंस थ्रू देर सेक्चुअल रिलेशनशिप एक विवाह में जो रिश्ता उत्पन्न होती है उस रिश्ता को मजबूत किया जाता है और मजबूत करने के बाद वो अपने चरण सीमा पर जब तक पहुंचती है वो रिश्ता तब यौन संबंध द्वारा उसे स्थापित किया रिलेशनशिप इज जहां पर यौन संबंध बहुत कमजोर है या बहुत कम है रिलेशनशिप ऑल्सो इज स्ट्रेन वहां पर आपसी रिश्ता भी कमजोर पड़ जाती है बिकॉज दैट आई अपॉर वेरी पर्टिकुलर अबाउट

अब इसका अर्थ ये नहीं है कि पति या जो पुरुष है वो बहुत क्रूर हो अनक या फिर बातों को ध्यान में ना रखे समझदार ना हो month, कुछ ऐसे दिन होते हैं जब पत्नी शारीरिक तौर पे इस तैयारी में नहीं या अपने आप को नहीं पाती है कि इस प्रकार के रिश्ते को निभाए और वन पार्टनर एट दैट टाइम नो बड़ी और दूसरे परिस्थिति में दोनों में से किसी एक की तबियत खराब है या शारीरिक रूप से निर्बल है कमजोर है और वो अपने जिम्मेदारी को नहीं निभा पाते हैं वट इन नॉर्मल टाइम वेन वी एंजॉय अ वेरी नॉर्मल काइंड ऑफ रिलेशनशिप लाइक दिस प्रिस्क्राइब इन द बाइबल देर वी नो स्ट्रेन वी केयर फॉर वन अनादर सो दैट इवन इन सिकनेस स so दी वन पार्टनर थ्रू दिसवरी लेकिन यदि हम वचन के अनुसार जिस प्रकार से परमेश्वर ने अपने बुद्धि में चीज़ों को समझाया और सिखाया है यदि हम उन बातों को अपने जीवन में अभ्यास में लाएं, तो फिर वैवाहिक रिश्ता वैवाहिक जीवन में किसी प्रकार का तनाव नहीं पाया जाएगा वो रिश्ता बहुत मजबूत होती है एंड सो लेट मी रिपीट दिस वन मोर टाइम द राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ ईच अदर आज टू बी कंटिन्यूली फुल टू बी तो मैं दोबारा ऐसे कहना चाहता हूँ जो विवाह में जो जिम्मेदारियाँ और कर्तव्य हैं उसे केवल एक या दो बार नहीं परंतु जीवन भर निभाए रखना बहुत जरूरी है एंड वी ऑल्सो नो दैट दिस वर्स रेफर नॉट ओनली टू सेक्चुअल राइट्स एंड ड्यूटीज Uh, uh, well. बटली है और कर्तव्य और जिम्मेदारियां हैं ये शारीरिक संबंध तक सीमित नहीं हैं परंतु इसमें और भी और अलग से जिम्मेदारियां हैं जो जुड़ी हुई है और दसबेंड्स वन लास्ट वर्स पतियों के लिए एक अध्याय और e सब उपदेशक का पुस्तक या चैप्टर नाइन वर्स नाइन सबोपदेशक उसका अध्याय और उसी का नवा पद आई होप यू आर एवरीबडी इज टेकिंग डाउन दिस रेफरेंसेस सो दैट यू कैन कीप इट एंड रीड इट एंड अंडरस्टैंड इट मोर मेरी उम्मीद ये है कि आप में से हर एक जन इन पदों को लिख रहे हैं ताकि आप इसे केवल अभी नहीं परंतु आगे भी आप इसे बार बार पढ़ सके और देख सके यहाँ पर इस प्रकार लिखा है वाइफ होम यू लव ऑल द डेज ऑफ योर वे इन लाइफ अपने व्यर्थ जीवन के सारे दिन जो उसने सूर्य के नीचे तेरे लिए हैं अपनी प्यारी पत्नी के संग में बिताना विच ही sun, सन ऑल यूर डेज ऑफ for फॉर दैट इज योर in इन लाइफ एंड इन दर विच यू परफॉर्म under the sun. क्योंकि तेरे जीवन और तेरे परिश्रम में जो तू सूर्य के नीचे करता है तेरा यही भाग है लिव जॉयफुली विद द वाइफ whom यू लव अपने प्यारी पत्नी के संग में बहुत आनंद के साथ इन दिनों को बिताना यू मे रीड दीज एंड मेडिटेट और जब आप लिखते हैं इन पदों को आगे इसको बाद में पढ़िएगा बार बार और फिर इस पर मनन करें लेट फ्यू वर्सेस रिगार्डिंग द वाइफ रेस्पॉन्सिबिलिटी और अब आइए हम पत्नी के जो जिम्मेदारी हैं उन्हें हम देखें ओके फर्स्ट करेंट द सेम चैप्टर फर्स्ट करेंट चैप्टर सेवन तो हम पहला कुरंथियों की पत्री देख रहे हैं उसका सातवां अध्याय वहीं पर खोलें चैप्टर सेवन वर्स टेन एंड लेवन और सात के दस और ग्यारह पदों में इस प्रकार लिखा है जिनका विवाह हो गया है उनको मैं नहीं वरन प्रभु आज्ञा देता है कि पत्नी अपने पति से अलग ना हो और यदि अलग भी हो जाए तो बिन दूसरा विवाह किए रहे या अपने पति से फिर मेल कर ले और ना पति अपनी पत्नी को छोड़े अ क्रिश्चियन वाइफ शुड नेवर थिंक ऑफ लिविंग हर हस्बैंड एंड डाइवोर्सिंग हिम एक मसीही पत्नी को चाहिए कि कभी भी ये विचार ना रखे कि अपने अविश्वासी या गैर विश्वासी पति को वो छोड़े वाइफ शुड नॉट लीव हर हसबैंड उसे ये सलाह दी जाती है कि ऐसी महिला अपने गैर विश्वासी पति को न छोड़ें। और फिर इफ्सियों की पत्री उसके पांच के बाईस में एन इंस्ट्रक्शन टू वाइफ। पत्नियों को पॉलुस इस प्रकार से कहते हैं। वाइफ, सबमिट योरसेल्फ टू योर हस्बैंड एस अंटू द लॉर्ड। हे पत्नियों, अपने अपने पति के ऐसे अधीन रहो hmm. जैसे प्रभु के

यहां पर ध्यान दीजिए कैसे लिखा है यहाँ पर सबमिट यूर सेल्फ टू लॉर्ड अधीनता किस प्रकार की ठीक वैसे ही जैसे प्रभु यीशु के प्रति अधीनता दिखाई जाती Now, है हाउ द चर्च सबमिट हर सेल्फ टू जीसस क्राइस्ट दी ब्राइट ग्रू यहाँ पर जो जो उदाहरण है वो ये है कि किस प्रकार से मसीह की कलीसिया अपने आप को प्रभु यीशु के प्रति आधीन रखती हैं नाउ जीसस नॉट ट्रीट द चर्च द और ध्यान देने वाली बात है जिस प्रकार से कुछ पुरुष अपने पत्नियों के साथ बर्ताव करते हैं मसीह यीशु कभी अपने कलीसिया के साथ ऐसा नहीं करते हैं हार्श एंड ऑल टाइम हार्ड एंड डिमांडिंग बहुत ही कठोरता के साथ और बहुत सारे मांगों को रखते हुए हाउ डिड जीसस लव्ड हिज चर्च प्रभु यीशु ने अपने कलीसिया से जब प्रेम किया तो कैसा प्रेम किया ही हिमसेल्फ टोटली टू द चर्च सबसे पहली बात मसीह यीशु ने अपने आप को कलीसिया के लिए पूर्ण रीति से दे दिया ही हैज नॉट एनी पार्ट ऑफ हिमसेल्फ प्रभु ये अपने आप से या अपने पास जो भी था उससे कोई भी चीज कलीसिया से रोका नहीं प्रकार का प्रेम दिखाया जाए तो उस प्रेम के अधीन पत्नी अपने आप को अधीनता में लाती है Let us look to, uh, आइए हम देखें तिमुथियस की पहली पत्री चैप्टर थ्री वर्स इलेवन उसका तीसरा अध्याय और ग्यारहवा पद टोल्ड लाइक वाइज मस्ट बी रेवरेंट नॉट लैंडर टेम्परेट फेथफुल इन ऑल थिंग्स यहां लिखा है इसी प्रकार से स्त्रियों को भी गंभीर होना चाहिए दोष लगाने वाली ना हो पर सचेत और सब बातों में विश्वास योग्य हो ये सेवक की पत्नी के विषय में लिखा है और ऐसी पत्नी के जो पति हैं विल प्राउड ऑफ वो बहुत ही एक धन्य पति होगा और अपने पत्नी Uh, के लिए बहुत गर्व रखने वाला क्रिश्चियन हस्बैंड शुड बी वेरी प्राउड ऑफ देयर वाइफ मसीही पतियों को चाहिए कि वे अपने पत्नी के प्रति बहुत गर्व रखें एंड वाइफ बिहेवियर एंड द वे शी एक्ट इन पब्लिक एंड इन इन अदर वेज विल आई द मेक द हस्बैंड प्राउड और अम और ध्यान देने वाली बात यह है कि एक पत्नी के जो व्यवहार है दूसरों के साथ पति के साथ पब्लिक में उसके कारण या तो पति गर्व रखेगा या फिर पत्नी पति उससे शर्माएगा एंड आई नो अ वाइफ कैन आई द ब्रेक और बिल्ड अप द लाइफ एंड मिनिस्ट्री ऑफ अ हस्बैंड और ये बात तो तय है कि एक सेवक विशेषकर एक सेवक के सेवकाई को और जीवन को बनाने वाली भी उसकी पत्नी है और तोड़ने वाली भी उसकी पत्नी हो सकती है and, and, uh, period, 3, 1 says, पहला पत्रस उसके तीसरे अध्याय के पहले पद में इस प्रकार लिखा है विशेषकर पत्नियों के लिए वाइफ लाइफ वाइज बी सबसे वर्ल्ड दे विदर्ड मे बी वन बाई दाइफ तीन के पहले पद में लिखा है हे पत्नियों तुम भी अपने पति के अधीन रहो इसलिए कि यदि इनमें से कोई ऐसे हो जो वचन को ना मानते हो तो भी तुम्हारे भय सहित पवित्र चाल चलन को देखकर बिना वचन के अपनी अपनी पत्नी के चाल चलन के द्वारा खिंच जाए एंड दीस आर द इंस्ट्रक्शन फॉर द वाइफ ये निर्देश है पत्नियों के लिए एंड दिस इज वेरी ट्रू दैट वाइफ प्लेज अ वाइटल रोल इन द हजेंड्स लाइफ एंड मिनिस्ट्री एंड इट कैन बी आई द पॉजिटिव और नेगेटिव ये बात सच है कि एक परमेश्वर के दास के या किसी मनुष्य या पुरुष के जीवन या उसकी सेवकाई को बढ़ाने के लिए या उसे तोड़ने के लिए पत्नी का रोल बहुत बड़ा है एंड पर्सनली स्पीकिंग आई हैव बीन ट्रूली ब्लेस्ड बाई अ वाइफ होम एवरी सिंगल पर्सन लव सो मच और वास्तविक बात यह है कि मैं स्वयं एक ऐसी पत्नी से आशीषित हुआ जिसे हर इंसान ने बहुत ही अधिक प्रेम किया एंड दे ऑल एंजॉय और सबों ने मेरी पत्नी के प्रेम का आनंद उठाया एंड इन फैक्ट सम पास्टर अम्मची हुई इस बिल्डिंग यहाँ तक कि कुछ लोगों ने ये भी बोला कि पासवान जी ये आप नहीं हैं जो कलीसिया के उन्नति करा रहे हैं परंतु हमारी पास्टर अम्मा है जिन्होंने इसकी उन्नति की ओर बहुत बड़ा योगदान दिया एंड आई बीन ब्लेस्ड और सच में मैं बहुत ही विल बी हुज ह्यूमिलिटी एंड रेवरेंस For God and for the ministry of her हर और मेरी प्रार्थना यह है कि हर प्रभु के दास की पत्नी ऐसी हो जिसके प्रार्थनाओं के द्वारा और प्रेम के द्वारा उस पासवान या सेवक की सेवकाई में बहुत बड़ा आशीष पाए। नेक्स्ट इज वर्सेस फोर फाइव एंड सिक्स जो अगला भाग जो हमें देखना है वो पहला कुर उसका सात उसके चार पांच और छह पद दिस वी विल स्टडी नेक्स्टे और इस हिस्से को हम अगले सप्ताह हम देखेंगे पर पति और पत्नी का एक दूसरे के शरीर के ऊपर जो आ, जो हक है उसके विषय में और विस्तार में बताया गया है so, क्स्ट वीक आफ्टर रीडिंग दिस तो मेरी निवेदन ये है कि आप सातवें अध्याय को फिर पढ़िए बार बार पढ़िए अगले सप्ताह से पहले ताकि हम तैयारी के साथ अगले सप्ताह के इस अध्ययन को हम अटेंड कर सके गॉड ब्लेस यू ऑल प्रभु आप सब को बहुत आशीष दे मेडिटेट ऑन दीज थिंग्स इन बातों पर मनन करें एंड बिल्ड अ प्योर रिलेशनशिप Uh, to the husbands and एंड वाइफ आई से बिल्ड अप योर रिलेशनशिप by following the scriptural instructions. और मैं हर पति और पत्नी को ये निर्देश देता हूँ कि अपने आपसी रिश्ते को आप मजबूत करें परमेश्वर के वचन के आधार पर परमेश्वर आप सबों को को बहुत things, इन सब बातों को पूरा करने के लिए हमें पवित्र आत्मा की आवश्यकता है परमेश्वर के योजनाओं के अनुसार हम अपने जीवन को जिये सो फेथ रिच इन रिलेशनशिप एंड रिच इन लव ताकि हमारे परिवार रिश्ते में विश्वास में आपसी समझ में बहुत ही धनी हो। लॉर्ड थैंक थैंक यू, यू फॉर द होली प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं विशेषकर पवित्र आत्मा के लिए योर वर्ल्ड इज इज फुल ऑफ इंस्ट्रक्शन आपका वचन हमारे जीवनों के लिए बहुत सारे निर्देश रहे स्पेशली रिलेशनशिप जो रिश्ता होना चाहिए उसको लेकर हमारे घर और हमारे परिवार परमेश्वर की उपस्थिति द्वारा और परमेश्वर के आनंद के द्वारा भरपूर होने पाएट अवर चिल्ड्रेन एंजॉय बींग एट होम एनी ताकि हमारे बच्चे भी इस बात से खुश रहें कि वो घर पे बहुत आनंदित हैं। केवल इस कारण कि घर में जो माहौल है जो वातावरण है वो एक प्रेम भरा वातावरण है। होने दें कि हम आपके वचन के प्रति आज्ञाकारी रहें। सबमिसिव टू ईच अदर। एक दूसरे के अधीनता में रहें। एंड सबमिसिव टू द लॉर्डशिप ऑफ जीसस। और उससे बढ़कर प्रभु यीशु के प्रति अधीनता में रहें। दैट एस क्रिश्चियंस